हेलो फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आते हैं सीधा आज की वीडियो पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो स्किन केयर पर है और जिस चीज़ से आज हम स्किन केयर करेंगे, आई थिंक आपको उसका अंदाज़ा ऑलरेडी लग गया होगा मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्किन केयर करेंगे एलोवेरा जेल से, लेकिन वो एलोवेरा जेल नहीं जो मार्केट में मिलता है, बल्कि वो जो नेचर में अवेलेबल है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एलोवेरा जेल एलोवेरा प्लांट से उसकी लीफ तोड़कर उसका जेल एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उससे अपना स्किन केयर करेंगे। एंड एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं फ्रेंड्स कि वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि अगर अभी खड़े होकर बोलने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। इतना ही कहूँगी फ्रेंड्स कि जैसे तुलसी का पौधा हर घर में एक मस्ट होता है, उतना ही ज़रूरी एलोवेरा प्लांट का भी होना हर घर में ज़रूरी है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं अपने घर के एंट्रेंस डोर पर ही खड़ी हूँ और बाहर चलते हैं और एलोवेरा से उसका एक लीफ तोड़कर जेल निकालते हैं। और तो ये है मेरा एलोवेरा प्लांट और इसकी जो लीव्स होती है ना वो बहुत पतली होती है, तो वी विल लुक फॉर अ लीफ जो स्लाइटली थिक हो बाकियों के मुकाबले, क्योंकि जितनी थिक लीफ होगी उतना ही ज़्यादा हमें जेल मिलेगा। तो देखते हैं फिर। I'll go with this one. All right, friends, so मैंने एक लीफ इसकी तोड़ ली है, अब इसको अंदर चल के अच्छे से वॉश करते हैं और फिर इसका जेल निकालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको वॉश ज़रूर कीजिएगा बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा धूल लगी होती है, तो अच्छे से वॉश करके इसको पोंछ के फिर हम बाकी का प्रोसीजर करते हैं। तो ये मैंने एलोवेरा लीफ अच्छे से वॉश करके इसको सुखा लिया है, अब करते हैं पहला स्टेप। तो पहला स्टेप इसका ये है कि इसके जो एज पे ये स्पाइक्स होती हैं, कैन यू सी दिस, ये जो इसकी स्पाइक्स हैं ये हमें निकालनी है। तो लेट्स डू दैट। बिल्कुल पतला पतला काटिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये लीफ बहुत ज़्यादा पतली है, तो वी डोंट वांट कि और ज़्यादा पतली हो जाए। तो जस्ट वी वांट टू गेट रिड ऑफ द स्पाइक्स, दैट्स ऑल। और फिर इधर से भी बिल्कुल एक पतली स्ट्रिप। ऑलराइट, दैट विल बी ऑल। अब आप ये इसके बीच में, ये जो दोनों इसके सर्फेसिस हैं उसके बीच में आप एक ये मोटी परत जेल की देख सकते हैं, बस यही जेल हमें चाहिए। तो इस जेल को लेने के लिए हमें इसकी एक सरफेस रिमूव करनी पड़ेगी, बिल्कुल हल्की सी, जैसे हम आलू छीलते हैं वैसे हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। बस फिर हमें इसकी एक सरफेस मिलेगी और उस पर एक मोटी लेयर जेल की रहेगी और बस वही जेल हमें चाहिए। तो मैं इसका ये एक पतली सी लेयर, बिल्कुल पतली लेयर निकालिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें जो दूसरी लेयर है उस पर एक बहुत अच्छी थिक लेयर जेल की मिल जाए। तो जितना पतला हो सकता है उतना पतला काटिए एंड दैट्स इट। हमारा जेल, बस इसकी अब हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटेंगे और लगाएंगे फेस पे, और उसके भी दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो ये चार टुकड़ों में मैंने ये लीफ को काट लिया है और अब हर टुकड़े पे ये जेल है, बस इसको अब ऐसे लेना है और डायरेक्टली इसको फेस पे ऐसे रब करना है। तो ये चारों स्ट्रिप से मैं ऐसे रब कर लूँगी कि मेरा पूरा फेस अच्छे से जेल से स्मियर हो जाए, और वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। बट मैं आपको इसके दो वर्जन्स बता देती हूँ। पहला वर्जन तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आप बस डायरेक्ट इसको ऐसे उठाएंगी और फेस वॉश करके अपना पूरा जेल जो है वो ऐसे फेस पर लगा लेंगी। दूसरा वर्जन ये है फ्रेंड्स कि आप इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज भी कर सकती हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने कल भी एक लीफ तोड़ी थी और उसके स्ट्रिप्स काट के मैंने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो आई विल शो यू द फ्रोजन वर्जन ऑल्सो। तो उसमें बस क्या होता है कि ये जो जेल है ना ये पूरा फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ जैसा हो जाता है, और फिर आप बस उसी फ्रोजन जेल को अपने फेस पर रगड़िए अच्छे से, पूरा अराउंड द आईज एंड एवरीवेयर, एंड द स्किन केयर इज़ डन। तो अगर मैं फ्रोज़न और नॉन फ्रोज़न वर्जन्स की बात करूं तो यस फ्रेंड्स, जो फ्रोज़न वर्जन है वो बेटर होता है बिकॉज उसका एक कूलिंग इफेक्ट रहता है हमारी स्किन पे, तो बहुत सूदिंग। और अगर हमारी स्किन जैसे स्पेशली अंडर द आईज अगर इरिटेटेड हुई हो या बर्नड, या वो कई बार हो जाता है ना कि हमारी आँखें से जलती हैं और हमें लगता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए,
तो उसके लिए फ्रोजन वर्जन बहुत यूजफुल है. और वैसे भी फ्रोजन वर्जन आप अगर करो तो इट्स बेटर देन द नॉन फ्रोजन वर्जन. बट अभी चल रही है विंटर्स, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट विंटर्स नाउ हेयर इन नॉर्थ इंडिया, तो ऑब्वियसली हम फ्रोजन वर्जन के साथ तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको नॉन फ्रोजन वर्जन के साथ ही करके दिखाऊंगी. और बेनिफिट्स तो मैं बताना आपको भूल ही गई पूरे वीडियो में. बेनिफिट्स एलोवेरा के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक्ने के लिए बहुत अच्छा ये एक ट्रीटमेंट है. अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या इवन टीनएजर्स को एक्ने की प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप उनके फेस पे भी ये एलोवेरा जेल लगा सकती हैं. बहुत मतलब 2-3 एप्लीकेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा उनके पिंपल्स में. देन इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंजाइम्स, विटामिन ए, विटामिन सी. अच्छा, सनबर्न के लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. अगर आपको सनबर्न हुआ है तो आप बस एलोवेरा जेल यू नो एक दो बारी इस तरह रगड़िए फेस पे, आपको तुरंत नज़र फ़र्क नज़र आएगा. और मतलब कितने फ़ायदे बोलूँ फ्रेंड्स, इसके हाइड्रेशन करता है, मॉइस्चराइज करता है. और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है फ्रेंड्स कि इसको सारी स्किन टाइप्स, ये सारी स्किन टाइप्स, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, मतलब यू नेम इट एंड यू कैन, देयर इज नो स्किन टाइप जिस पे एलोवेरा जेल हम नहीं यूज़ कर सकते. और इसीलिए ऑयली लोगों, जो जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज उनको जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि हम हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन कैसे करें अपनी स्किन की, क्योंकि वो कुछ भी यूज़ करते हैं तो उनको ब्रेकआउट का डर रहता है. तो आप ऑयली स्किन वालों से मैं कहूँगी कि आप एलोवेरा जेल बेफिक्र होकर अपने फेस पर लगा सकती हैं, आपको कभी ब्रेकआउट नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिल जाएगा. और हम ड्राई स्किन वालों को तो वैसे ही हाइड्रेशन की हमेशा ज़रूरत होती है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा यू नो एक बहुत अच्छी रेमेडी है. तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स. मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को जितने इसके बेनिफिट्स पता भी नहीं थे, मैं फिर भी इसको लगातार बहुत सालों से ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन, रेगुलर पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन आई वुड से. और मुझे तो इसके थोड़े से चंद बेनिफिट्स ही पता थे, हाइड्रेशन के और एक्ने वगैरह के, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब मैंने जब गूगल से निकाला तो आई वाज रियली अमेज्ड कि सनबर्न्स में ये हेल्प करता है, देन अंडर आई को सूथ करता है एरिया को, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. इनफैक्ट डार्क सर्कल्स की तो मैं जितनी भी DIYs करूँगी उस सब में एलोवेरा जेल का यूज़ होगा. तो आपने देखा, मतलब कोई स्किन केयर, मतलब कोई स्किन इशू ऐसा है ही नहीं जिसको ये ट्रीट नहीं करता है. तो इट हैज़ टू बी अ मस्ट फॉर एवरी पर्सन कि वो ये एलोवेरा से अपनी स्किन ट्रीटमेंट या स्किन केयर ज़रूर करे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बातें काफ़ी हो गई, आपको बेनिफिट्स बता दिए. अब जल्दी से पहले आपको फ्रीज़र से ला के इसका फ्रोज़न वर्जन दिखा देती हूँ, और फिर आपको इसके साथ मैंने कैसे आज मॉर्निंग में इसके साथ मैंने अपना स्किन केयर किया वो भी दिखा देती हूँ. दिस इज़ द फ्रोज़न वर्जन, कैन यू सी दिस? Can you see this? बस ये स्ट्रिप लेके फ्रीजर में रख दी है, और जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इसको लगा लीजिए फेस पर. तो मैं ये बोलूंगी कि जो कोई मुझे नॉर्थ इंडिया से नहीं देख रहा, जहाँ पे विंटर्स का इतना इशू नहीं है, तो आप प्लीज अगर ये स्किन केयर करते हैं इसके साथ तो फ्रोजन वाले के साथ ही कीजिए. चलिए फिर, मैंने आज सुबह ये जेल लगाया था तो देखते हैं कैसे लगाया और उसका क्या इफेक्ट रहा मेरे फेस पर, आइए देखें. चलिए फिर लगा लेते हैं. एंड मेक श्योर कि आप आईज के नीचे बहुत अच्छे से रब करें, क्योंकि ये अंडर आई एंड इवन आईज के ऊपर भी, क्योंकि ये आई के जो नीचे का एरिया होता है उसको बहुत अच्छा सूद करता है. और अगर आपकी आई, अंडर आई का एरिया थोड़ा सा भी इरिटेटेड है तो उसे बहुत अच्छे से हील भी करता है. और मेरा तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी अभी रातों को नींद भी पूरी नहीं हो रही चैनल की वजह से. चैनल का इतना काम रहता है, वीडियोज़ की शूटिंग, एडिटिंग, कि मेरी तो अंडर आई का बुरा हाल हुआ हुआ है, आई मीन अंडर आई एरिया का. एक ही ड्रॉबैक है इसका बस फ्रेंड्स, कि ये स्ट्रिप्स बहुत पतली होती हैं तो दे विल कीप स्लिपिंग, इसलिए 2-3 स्ट्रिप्स लीजिए ताकि आपका अच्छे से फेस पूरा कवर हो जाए इससे.
लगा लिया मैंने और अब इसको हमें लगे रहने देना है 2 hours, 3 hours, जितनी देर भी हम लगा कर रख सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ फेस पैक जिसको हम 15-20 मिनट में वॉश ऑफ कर देंगे. मैं इसको जनरली अराउंड 1.5-2 hours तक लगा कर रखती हूँ और उसके बाद ये ड्राई अप हो जाता है तो फिर मुंह बहुत टाइट हो जाता है, फिर मैं इसको वॉश ऑफ कर देती हूँ. सो मिनिमम एटलीस्ट 2 hours आप इसको ज़रूर लगा कर रखें. चलिए फिर 2 घंटे के बाद मिलती हूँ आपको फेस वॉश करके और फिर दिखाती हूँ. आई एम आफ्टर वॉशिंग माई फेस, तो आप देख सकते हैं कि ग्लो भी है और स्किन हाइड्रेट भी हुई है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए. तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. तो इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब. जी हाँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करना है. व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रही हैं फ्रेंड्स उस हिसाब से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. मैं हर जगह पोस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट लेट मी डाउन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अच्छी चीज़ें अच्छे नुस्खे ही आपको यू नो जानने को मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे. तो ऑल राइट देन, सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज़.